परमात्मा के चरणों में अंतर बाह्य शुद्धि करते हुए स्वयं की चेतना में, स्वयं के भावों में समोशरण की अनुभूति करने के लिए, समोशरण की अनुभूति से संपन्न होने के लिए आओ स्वयं को समर्पित करें, विसर्जित करें सारे संसार के भावों को, डिस्कनेक्ट हो जाएं बाहर के सभी संयोगों से, अंतर के सारे विकल्पों से, स्वयं के सचेतन शरीर की अनुभूति करें, स्वयं के श्रद्धा में शरीर की अनुभूति करें, स्वयं के बोध में शरीर की अनुभूति करें, अंतर की पूरी पवित्रता का, निर्मलता का एहसास करते हुए उस भाव दिव्य समोशरण में स्वयं को ढालने के लिए, दिव्य समोशरण के भावों से स्वयं की चेतना को, स्वयं के प्राणों को संस्कारित करने के लिए, भावी करने के लिए आइए महसूस करें चारों ओर एक विशाल गोल परकोटा चांदी का, ऊंची दीवारें, उस परकोटे पर जगह जगह पर अष्टमंगल प्रवेश द्वार चारों दिशाओं में, उस प्रवेश द्वार को बनाया गया है स्वर्ण से, सोने से, स्फटिक की पंक्तियां, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट, आसमान में देवदंडभी का दिव्य निनाद, देवताएं दिव्य घोष कर रहे हैं, उनके मधुर स्वर लहरियों से एक भक्ति का माहौल बनता जा रहा है। आकाश में से देवता विविध रंगी फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जिनके सुगंध से सारा माहौल महक रहा है। सूर्य के समान दैदीप्यमान दिव्य धर्म चक्र आसमान को छूती हुई शासन ध्वजा अव दिव्य समोशरण में प्रवेश करे। चारों दिशाओं से भविजन परमात्मा के शरण में पहुंचने के लिए निरंतर चारों ही प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। स्फटिक की पंक्तियों पर कदम धरते हुए, स्फटिक की सीढ़ियों पर कदम धरते हुए निरंतर ऊपर उड़ते हुए, उस भक्ति के माहौल में तन्मय होते हुए दूसरा परकोटा सुवर्ण से बना हुआ है, जिसके प्रवेश द्वार पर मणि रत्न के तोरण द्वार है। महसूस करे, एहसास करे कि चारों दिशाओं से हम जैसे ही श्रद्धाशील निरंतर प्रभु के चरणों में चले आ रहे, रत्नों की किरणों से अलोकित है सारा परिसर, क्योंकि तीसरा परकोटा है रत्नों से बना हुआ है, विविध रंगी रत्न और उनकी किरणों से, उनकी रश्मियों से सारा दृश्य इतना मनोहर बना हुआ है। और शिखर पर विशाल सुंदर दिव्य भव्य स्फटिक सिंहासन, क्रिस्टल सिंहासन, जिसको रत्नों से जड़ा गया है, उस भव्य सिंहासन पर विराजमान परम पिता प्रभु महावीर शान सुधारस परम सौंदर्य के परमाणुओं से बना हुआ प्रभु का दिव्य शरीर, अमृत रश्मियां बिखेरती हुई दिव्य आंखें, जगत के सारे दुखे जीवों के क्रंदन को जान करके नंदन में बदलने में समर्थ दीर्घ कर्ण, दिव्य ललाट रक्ति ओट उत्तुंग नासा, विशाल स्कंध वक्ष स्थल पर दैदीप्यमान श्रीवत्स पद्मासन की मुद्रा में विराजमान प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी, हजारों साधु साध्वियां, लाखों श्रावक श्राविकाएं, असंख्य देव देवियां, चारों ही दिशाओं में प्रभु का
वो दिव्य स्वरूप नजर आ रहा है, दिव्य भामंडल अज्ञान अश्रद्धा दुराचार के पाप से मुक्त करता हुआ छत्र त्रय दिव्य अशोक वृक्ष है। दिव्य निनाद और दिव्य निनाद के इन मधुर स्वरों में प्रभु भक्ति का मंगल गीत गुंजीत हो रहा है, जिसके समाधि में जीवन में पुरुषार्थ तो होता ही है। एक इंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्र तक जीव निरंतर कुछ न कुछ तो करता ही है, बिना करे कोई जी नहीं सकता है, चाहे मूर्ख हो चाहे सयाना हो, कर्म तो करता ही है और कर्म करना ही होगा है। लेकिन वो कर्म है अंधियारे में से अंधियारे की ओर ले जाता है या उजाले से उजाले की ओर ले जाता है, इतना यदि हम देख पाए। अंधेरे का पुरुषार्थ करने के बजाय, दिया बुझाने में ताकत लगाने के बजाय, दिए को जलाने में और सुरक्षित रखने में ताकत लग जाए तो ठोकर नहीं लगती। और कैसे अंदर का ये दिया सुरक्षित रह सकता है, कैसे अपना पुरुषार्थ अपने मेहनत अपना श्रम अपना स्वोच्छ्वास सार्थक हो जाए, मंजिल पर पहुंचा दे, सिद्धि तक ले जाए, शांति की अनुभूति करा दे, उसके लिए परमात्मा ने 71 रास्ते बताए। किसी भी एक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, एक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति 71 में से कोई भी एक रास्ता चुना जा सकता है, और किसी भी रास्ते पर चला हुआ व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। कई रास्ते तो ऐसे हैं कि जिस शरीर में चलना शुरू कर दिया, जिस जन्म में चलना शुरू कर दिया, उसी जन्म में मोक्ष में पहुंच जाते हैं, उसी जन्म में। और उसमें सबसे पहला रास्ता है मंजिल पर पहुंचने की तीव्रतम अभिलाषा, मोक्ष में जाने की, सिद्ध बनने की, परमात्मा बनने की, भगवत स्वरूप बनने की, अनकंडीशनल अनब्रेकेबल एक ऐसी तमन्ना, एक ऐसा अरमान, एक ऐसी इच्छा प्रबलतम। ये इच्छा प्रबलतम हो जाए, जैसे संत तुलसीदास की अपनी पत्नी को मिलने की तमन्ना हुई, और उस तमन्ना में वर्षा के प्रवाह में बाढ़ आई हुई नदी में ध्यान में नहीं आया कि मुर्दे पर बैठ करके जा रहा, रस्सी के बजाय सर्प को पकड़ करके पहुंचे। ऐसी आंधी तमन्ना है कि जिसमें मंजिल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आए, हर हाल में उस मंजिल पर पहुंचने ही पहुंचना है। एकलव्य जैसी तमन्ना है कि पाना ही पाना है, उसको कहते संवेग, मुझे मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे जो बाधाएं आ जाए, चाहे जो संकट आ जाए। ऐसी प्रबलतम इच्छा जब जन्मती है उसको संवेग कहते हैं। हमारी सारी इच्छाएं टेम्पररी होती है, जैसे छोटा बच्चा है उसके पिताजी जा रहे हो तो रोने लगता है, लेकिन थोड़ी देर माँ बहला लेती है और भूल जाता है। जब रोता है तब लगता है कि उसको पिताजी चाहिए चाहिए, लेकिन उसको बहला ही जा सकता है। हमारी सारी तमन्नाएं जो है ऐसी है, जब जन्मती तब लगता है कि हाँ इसके बिना मैं जी नहीं सकता, लेकिन थोड़ी देर में कोई अपने को बहला लेता है, अपना मन और कहीं मुड़ जाता है तो याद ही नहीं रहता है कि हम क्या चाहते थे। यदि हम देख पाए स्वयं की इस अंतर की यात्रा को, तो परमात्मा क्यों कहते कि संवेग, ये संवेग सारे मिथ्यात्व से मुक्त कर देता है। संवेग के कारण से अनुत्तर श्रेष्ठतम श्रद्धा का जन्म होता है, एक ऐसी आस्था का, एक ऐसी भक्ति का, एक ऐसे विश्वास का जन्म होता है कि जिसको कोई साइक्लोन जिस ज्योत को बुझा नहीं सकता है। ऐसी एक अनिवार्य इच्छा है, दुर्दम्य कामना है, उसको संवेग कहते हैं। और जिसके मन में ये संवेग जन्म गया उसके जीवन में से मिथ्यात्व चला गया है, जिसकी भगवत स्वरूप पाने की दुर्दम्य इच्छा हो गई, एनी हाउ कैसी भी अरस्ते में मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। और इस तमन्ना में ही ताकत है, इस अंदर की तमन्ना में, इस अंदर की भावना में ही वो ताकत है। जैसे मेरा भाई ऐसी अदम्य आकांक्षा जब जन्मती है तो बाकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, सारी शक्ति केवल उसमें ही लग जाती है। और ऐसी शक्ति यदि लग गई
तो सारा मिथ्यात्व समाप्त तो होकर के वो अपनी श्रद्धा में सब तन्मय हो जाता है, अपनी भक्ति में तन्मय हो जाता है, और उस भक्ति में तन्मय होकर के फिर वो दूसरी इच्छा की तरफ देखता ही नहीं, और उसी जन्म में वो मोक्ष में चला जाता है। यदि उस जन्म में ऐश्य कर्म बन गया हो, ये भावना जन्मने के पहले, ये इच्छा जन्मने के पहले, ये तड़प जन्मने के पहले कि अगले जन्म का आयुष्य बन गया हो, तो एक जन्म और लेकर के अगले जन्म में तो पक्का मोक्ष में जाता ही जाता है। इसको कहते हैं संवेग। निर्वेद वासनाओं से जिसका मोह टूट गया हो, पदार्थ से जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई हो, निर्वेद जिसने उनका समग्र स्वरूप समझ लिया, और है क्या ये वासनाएं, जैसा कुत्ता हड्डी चबाता है, और हड्डी चबाने के कारण से हड्डी में से कोई खुद नहीं आता है, हड्डी चबाने के कारण से उसके ही मसूड़ों में से खून निकलता है, और उसी खून को समझता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। ऐसा कुत्ते के रूप में जिसने स्वयं को देख लिया है, हड्डी के रस को जिसने देख लिया, उसको पता चल गया है। और ऐसे कितने ही प्रसंग रोज तुम्हारे सामने आते रहते हैं, दूसरों के लिए किस लिए, स्वयं के भी आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उसके कारण से रस आ रहा था, लेकिन पता चला वो नहीं तब भी रस है। इसका मतलब वो रस वहां से नहीं, कहीं अंदर से। और ये मोह टूट जाए, इसको कहते हैं निर्वेद। और एक बार जिसके मन में ये निर्वेद की भावना जन्म गई, फिर उसको कोई मानवीय या पाशवीय दैवीय किसी प्रकार का कोई आकर्षण उसको लुभा नहीं सकता है, कोई अट्रैक्शन उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एक बार स्थूली भद्र ने देख लिया है कि हड्डी चबाना है, फिर वो हड्डी उसके मुंह में भी चले गए तो चबाता नहीं उसको, उसको पता है कि हड्डी है। वहां से जब विरक्त हो जाता है, और वहीं से उसका सारे विषयों में से बाहर देखना बंद हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट इज डिस्ट्रॉय, इनर वर्ड स्टार्ट, फिर उसके अंतर की दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। और जब अंतर की दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, तो सबसे पहला परिणाम कोई आता है उसके जिंदगी में, तो आक्रमण करना बंद कर देता है, अटैक करना बंद कर देता है। और जैसे आक्रमण बंद हो जाता है, वैसे संसार का मार्ग, दुख का मार्ग, भव का मार्ग समाप्त हो जाता है, और सिद्धि का रास्ता खुल जाता है। धर्म श्रद्धा यदि जीवन में आ जाए, हमको देख लेना चाहिए हमारी श्रद्धा धर्म पर है कि सुख पर है, हमारी श्रद्धा अपने सपनों पर है या धर्म पर है, हमारी श्रद्धा हमारी तमन्नाओं पर है, हमारी इच्छाओं पर है, या धर्म पर है, चेक कर लेना चाहिए। और ऐसे सूत्र है 71 जो जनांतर स्वयं को परीक्षण करने के लिए मौका देते हैं। ट्रिपल बढ़ा दे, ट्रिपल 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 दस कम कर दो। हमें देखना चाहिए कि हमारी श्रद्धाएं किस में है, हमारी आस्था किस पर है, हम किसकी भक्ति करते हैं। अपने कामनाओं की भक्ति करते हैं हम, अपने कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, या धर्म के पीछे जाते हैं हम, सुख के पीछे दौड़ते हैं या धर्म के पीछे दौड़ते हैं, ये चेक कर लेना चाहिए। और ये जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, हम गलत फहमी में, हम दौड़ रहे सुख के पीछे और समझ रहे धर्म के पीछे जा रहे हैं। धर्म रुचि अनगार, धर्म के पीछे जा रहा था, इसलिए जहरीली सब्जी भी निगलने में इसको तकलीफ नहीं हुई, कि उसको सुख का सवाल नहीं था, धर्म का सवाल था। धर्म श्रद्धा जब जन्मती है जीवन में, तो साता और सुख के पीछे आदमी दौड़ता नहीं है, और साता और सुख के पीछे नहीं दौड़ा है तो जीवन में सुविधाएं चली जाती है, कंडीशन चली जाती है, कोई शर्त नहीं रहती जिंदगी में, हमारा सारा शर्त पर चलता है। मैंने इतना धर्म किया, क्या मिला मुझे, अच्छा शर्त आ गई, अगार धर्मम से चाहिए, ये जो कंडीशन है बंदे, इसको छोड़ देता है,
अनगारम अनकंडीशनली, चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे, चाहे मेरे मन जैसा हो चाहे मेरे मन के खिलाफ हो, चाहे राम मुझे साथ में लेकर के चले जाए चाहे राम मुझे वनवास में विजनवास में भेज दे, तो भी राम राम ही है मेरे। ये आस्था जिसके मन में होती उसको कहते अनगार का मार्ग है। और ऐसा जो व्यक्ति बन जाता है उसके शरीर के मन के उसके दुख नहीं रहते, उसके शरीर में कोई छेदन भेदन की अनुभूति नहीं होती, उसको ना संयोग और वियोग की पीड़ा होती है और वो निराबाध सुख को प्राप्त करता है जिस सुख में कोई बाधा नहीं है। गुरु की साधर्मिक की नरसिंह करने के कारण से, परिचर्या करने के कारण से, शुश्रूषा ने परिचर्या, दो शब्द जाएंगे इस आगम में, एक है वयावृत्य और एक है शुश्रूषा, इन दोनों में अंतर है। शुश्रूषा कहते कि सामने वाले को गरज है इसलिए मैं कर रहा हूं, सामने वाले को जरूरत है इसलिए मैं कर रहा हूं, सामने वाले की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए जब करते हैं हम कुछ तो उसको शुश्रूषा कहते हैं कि वो रो रहा है थोड़ा उसको खो दे देता हूं, उसको बुखार आया है जरा क्रोसिन की गोली दे देता हूं, उसको जख्म हो गई है जरा मलम पट्टी कर देता, ये शुश्रूषा है। और ये करने के कारण से क्या होता है ये अलग बात है। और वैयावृत्त कहते हैं वो मेरा भगवान है, वो मेरा आराध्य है, वो मेरा परमात्मा है, मेरे परमात्मा को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे परमात्मा को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मेरे परमात्मा को असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस भाव से जो किया जाता है उसको वैयावृत्त कहते हैं। सामने वाले को निडी पर्सन समझना है और सामने वाले को गॉड समझना है, सामने वाले को जरूरतमंद समझना है और सामने वाले को भगवान समझना है, इन दोनों में जो अंतर है उन दो अंतरों के कारण से ये दो सूत्र है। जो सामने वाले को भगवान समझ करके भक्ति करता है वो तीर्थंकर बन जाता है, उसमें दूसरों को भगवान बनाने का सामर्थ्य आ जाता है। और जो गुरु धर्म साधर्म की शुश्रूषा करता है कि उसकी जरूरत है निडी है कर लेते हैं उसकी सेवा है, उसके मन में विनय का भाव जन्मता है और विनय का भाव जन्मने के कारण से वो किसी भी प्रकार से किसी की भी आशातना नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता है, किसी को दुखी नहीं देख पाता है। और जो किसी को दुखी नहीं देख पाएगा वो पशु कैसे बनेगा, वो नरक में कैसे जाएगा? उसके इसलिए नरक की तिर्यंच की मनुष्य के भी, मनुष्य में भी दुर्दैवी नहीं बनेगा, देव गति में भी जाकर के परमाधार्मिक नहीं बनेगा। चारों ही गतियों में जो दुष्टता है उसको समाप्त कर देता है और उसके एकमात्र गति होती है, उसकी एकमात्र लाइफस्टाइल होती है सिद्धि की, भगवत्ता की। और बहुत सारे प्रशस्त कार्यों को जो विनय से संपन्न होते हैं उनको परिपूर्ण करता है, बहुत सारे लोगों को धर्म के साथ जोड़ता है, बड़े गहराई से जोड़ता है, बड़े प्रेम से जोड़ता है। कन्फेशन करने के कारण से क्या होगा है? आलोचना करने के कारण से क्या होगा है? आलोचना कहते हैं अपने अंदर के पाप को महसूस करना है, अपने अंदर के बीमारी को महसूस करना है, अपने अंदर के गंदगी को महसूस करना है। और जिसको अपने अंदर की गंदगी महसूस हो गई उसके अंदर गंदगी नहीं रहती है, जिसको अंदर में अपनी गलती महसूस हो गई वो गलती कर नहीं सकता है। गंदगी महसूस होना है, कानून कह रहा है इसलिए गुना नहीं, मुझे गुना लग रहा है, मुझे गलती लग रही है, नहीं समाज गलत समझ रहा है, समाज गलत समझे या नहीं समझे, गलत गलत है। ऐसी अनुभूति जिसको होती है उसको कहते आलोचना है। और जो आलोचना के रास्ते पर चल पड़ता है उसके जीवन में कपट का कांटा नहीं रहता है, वासना का एग्रीमेंट नहीं रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसके जीवन में रहती नहीं है। और ये तीनों जब निकल जाते हैं तो रास्ते में कोई बाधा ही नहीं आती है। बाधाएं आती इन तीन कारणों से, ये तीन निकल गए तो बाधाएं निकल गई। और ये बाधाएं निकल गई
तो सरल बन जाता है, और जो सरल हो जाता है वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होता है। स्त्री और नपुंसक वेद, स्त्री और नपुंसक वेद का मीनिंग ही है कि डिपेंड कैरेक्टर, नपुंसक केओटिक कैरेक्टर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और यदि पहले में उसमें ऐसा कुछ बंधा होगा तो उसकी भी वो निर्जरा करता है। अपने पापों को महसूस करना है, ये आलोचना है, और अपने पापों को प्रकट कर देना है, अपने पापों को ओपनली गलत कह देना है, इसको निंदा कहते हैं। गुरु के साक्षी से जब ऐसी निंदा होती है तो मन में एक पछतावा आता है, और पछतावा आने के कारण से उसके अंदर एक करण गुण सीढ़ी, एक ऐसी क्रिया शक्ति जन्मती है कि मोहनीय कर्म का क्षय होना शुरू हो जाता है। और मोहनीय कर्म का क्षय होना इन्हें बाकी चारों कर्मों का, तीन कर्मों का भी क्षय हो जाता है। ग्रह सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करना कि मैं गुनहगार हूं, सार्वजनिक रूप से कहना है, और सच में कहना है, ड्रामे के लिए नहीं कहना है, सच में स्वयं को यदि कोई सार्वजनिक रूप से अपने गुनह को कबूल करता है तो उसको पुरस्कार नहीं होगा, उसका तिरस्कार करेंगे लोग, उसको कहते तिरस्कार। और तुम यदि सार्वजनिक रूप से अपने गुनाह कबूल कर करके लोगों से रिस्पेक्ट मिलाना चाहते होंगे तो गरहा नहीं है, वो तो लोगों के प्रशंसा प्राप्त करने का एक और एक तरीका हो गया, जिसके कारण से लोगों के मन में तुम्हारे प्रति जो आदर है, तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो समाप्त तो हो जाए, उसको गरहा कहते हैं। और एक गरहा एक बार जीवन में आ जाए तो आदमी बुरे कामों से परावृत्त होकर के अच्छे कामों में ही लगता है, और अच्छे कामों में जिसकी चेतना लग गई वो अनंत घाती कर्मों का क्षय कर देता है। सामायिक के द्वारा जीव को क्या मिलता है? पाप से विरक्ति हो जाती है, पाप के प्रति जो आकर्षण मन में है वो समाप्त तो हो जाता है। 24 तीर्थंकर की स्तुति करने के कारण से क्या होता है? 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने के कारण से दर्शन की विशुद्धि होगी, जो अंदर की भावनाएं, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो भक्ति है, उस भक्ति में जो कामना है, उस भक्ति में जो कचरा है, अपनी श्रद्धा में कचरा बहुत है, उस श्रद्धा का कचरा निकल जाता है जो लोगस्य की साधना करता है, और भक्ति का कचरा निकल गया तो कल्याण हो गया है। वंदना है, वंदना के करने कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? वंदनीय क्रिया है, और वो क्रिया भी सही तरीके से हो जाए तो अंदर में जितने निगेटिविटी है, दूसरों के अवमानना करने की जो वृत्ति है, दूसरे का अनादर करने की जो प्रवृत्ति है, दूसरे की अवहेलना करने की जो अंदर का एटीट्यूड है, उसको कहते हैं निज गोत्र। निज गोत्र का बंध इसी से होता है, और वंदन करने वाले व्यक्ति के अंदर से ये दूसरे पर, दूसरे की अवहेलना करने की वृत्ति निकल जाती है, उसके अंदर दूसरे का सम्मान करने की, दूसरे की अच्छाई देखने की, दूसरे की श्रेष्ठता देखने का सामर्थ्य आ जाता है। और इस सामर्थ्य के कारण से, उसके कारण से उसके जीवन में ऐसी वंदना के कारण से जब उसके अंदर से दूसरे की अवहेलना करने की भावना निकल जाएगी, दूसरे की अच्छाई देखने लगेगा, और जो दूसरों की अच्छाई देखेगा उसकी हर बात को दुनिया मंजूर करेगी, जो दूसरे में बुराई देखेगा उसकी कौन बात मानेगा? क्यों आचार्य भगवंत की हम लोग बात मानते थे? क्यों किसी की अवहेलना नहीं करते थे? वो किसी का अनादर नहीं करते थे? वो किसी का अनादर नहीं करते थे तो उनका भी कोई अनादर नहीं करता था, इसीलिए उनकी आज्ञा सफल हो गई थी, उनकी आज्ञा पर, उनके निर्देश पर किसी को कोई सवाल नहीं उपस्थित होता था। ऐसा ही उनका वंदन के कारण से और उसको सभी तरफ से अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाती है।
यही वंदना का सूत्र है और अपने को चेक करना चाहिए। पिछले अध्याय को गहराई से ले रहा हूं, विस्तार से ले रहा हूं। इसमें सारे जीवन के सूत्र आ गए, इसमें से कोई भी सूत्र आपने जिंदगी में आ जाए, ये पूरा अमृत का सागर है। एक भी बूंद तुम्हारे गले के नीचे उतर गई, एक बूंद भोप हो गई। अमृत को कोई 10 लीटर पीने की जरूरत नहीं होती, एक बार भी इसको पी लिया कई दफ है। प्रतिक्रमण करने के कारण से क्या होता है? प्रतिक्रमण करने के कारण से अपने जो संकल्प हो गए, उस संकल्प में जो ब्रेकेज आते हैं, लीकेज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब वहां से लीकेज हो जाती है। बड़े उत्साह से काम शुरू करते हैं, बड़े उल्लास से काम शुरू करते हैं, बहुत उमंग से काम शुरू करते हैं, और एक 10 मिनट के बाद, एक 2 दिन के बाद, एक 5 दिन के बाद ऐसे उससे हट जाते हैं, ऐसे हट जाते हैं कि याद ही नहीं आता कभी शुरू किया था। ये है अपने व्रत में छेद, ये अपने संकल्प में छेद। ये छेद को यदि फिल करना हो, ये पंक्चर निकालते हैं ना, पंक्चर जहां से हवा निकल जाती है। ऐसे ही जैसे अभी निर्वाण कल्याण की दिशा चल रही है, हवा भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही, ऐसे लग रहे, ऐसे लग रहे कि हम जैसे परम सावक परमात्मा का और कोई होगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि प्रवीण ऋषि जैसा और कोई परम साधु परमात्मा का होगा ही, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये हवा कब तक, पता नहीं कब पंक्चर हो जाती है, और पंक्चर हो गया निर्वाण कल्याण का प्रवीण ऋषि कहीं नजर ही नहीं आता। ऐसे जो अपने संकल्प में छेद होते, अपनी भावना में जो छेद होते, हमें अपने लक्ष्य की जो शक्ति वे करते हैं। जैसे टंकी में पानी भरा हो और पानी भरने के पहले देखा ही नहीं कि टंकी का लीकेज चालू है, बिना तले की बाल्टी में कितना ही पानी भरोगे तो कब तक रहेगा? चांदी में पानी कब तक टिकेगा? ये जो छेद अंदर के छेदों को भरना हो तो परमात्मा के लिए प्रतिक्रमण के कारण से अंदर के सारे छेद भर जाते हैं। और एक बार छेद भर गए, दरवाजा की दीवार भर गई, तो बाहर से पाप आने का रास्ता बंद हो गया। और बाहर से पाप आने का रास्ता बंद हो गया तो व्रत गंदा होना बंद हो गया, और व्रत गंदा होना बंद हो गया तो अष्ट प्रवचन माताओं में ऐसा तन्मय होकर के वो चलता है, ऐसा तन्मय होकर के चलता है कि उसकी सारी मन वचन काया की सारी शक्ति अच्छे कामों में लगती है। वो सोता है कभी अच्छे सपने देखता है, वो जो भी करता है उसमें से उसको केवल अच्छी की उपलब्धि होती है। काउस ग्रहण करने के कारण से क्या होता है? कायसन करने के कारण से जो पहले गलतियां हो गई है, उस गलतियों का जो प्रायश्चित आया है, अभी अभी कुछ गलती हो गई, उस गलती का जो प्रायश्चित आया है, उस प्रायश्चित का परिमार्जन हो जाता है, प्रायश्चित विशुद्ध हो जाता है। और एक बार पनिशमेंट अपनी निकल गई तो माथे पर का बोझ उतर जाता है। जैसे कोई काम पूरा होने के बाद आपको रिलैक्स लगता है, वैसे कैसे कारण से हृदय में एक शांति की अनुभूति हो जाती है, एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। और जैसे कोई बोझ उठाने वाला हवा उसके सिर पर का बोझ उतारने के बाद उसको कैसा एहसास होता है, वैसा ही एहसास उसको होता है जो कैसे करता है। और ऐसा कैसे करने के कारण से फिर वो प्रशस्त ध्यान में चला जाता है, और प्रशस्त ध्यान में जाने वाला व्यक्ति निरंतर सुख से सुख में ही चला जाता है। प्रत्याख्यान करने के कारण से क्या होता है? पचकान करने के कारण से क्या होता है? पचकान का मीनिंग है अन्यथा होने की, अदरवाइज होने की, दिस और दैट, दिस और दैट, दिस और दैट,
ये जो अपने मन में चलते रहता है, एक ही वो, एक ही वो, एक ही वो, वो का रास्ता बंद कर देता है, चाहे नहीं निकली नहीं थी, रास्ता बंद हो गया। ये चीज नहीं खानी, नहीं खानी, रास्ता बंद हो गया। जिसने पचखान ले ली है उसने पाप के आने के रास्ते बंद कर दिए, और पाप के आने के रास्ते बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, चोर आने का दरवाजा बंद हो गया, टेररिस्ट आने का दरवाजे बंद हो गए, टेररिस्ट आएगा कहां से, कैसे आएगा, आएंगे से। और एक बार टेररिस्ट आना बंद हो गया तो इच्छा का निरोध हो गया, और इच्छा का निरोध होने के बाद व्यक्ति बाहर की सारी तमन्नाओं से प्यास लगती नहीं, उसको पानी नहीं मिलता, ऐसा नहीं पानी नहीं पीता, ऐसा प्यास ही नहीं लगती। और प्यास नहीं लगी तो पानी किसने पिएगा, प्यास लगी तो पानी मांगेगा। एक बार समझिए, किसी ने किसी वस्तु के बचका पी लिए, मैंने चाय नहीं पी ली, अब सामने चाय भी आ जाए तो चाय पीने की इच्छा थोड़ी होगी, उसकी हो ही नहीं पाएगी। क्यों? कि चाय का आने का दरवाजा बंद करके रखा है तो प्यास नहीं लगेगी, और प्यास नहीं लगेगी तो पिएगा नहीं। इस सारे अंदर की जो गलत बातों की अपने अंदर प्यास चलती रहती है, क्या करो, मन में करो, आगे करो, अरे करण तो इसलिए आ रही होगी तो दरवाजा बंद नहीं करेगी, तो दरवाजा बंद कर देगा। और दरवाजा यदि बंद हो गया उसको कहते हैं बचका। स्तव स्तुति मतलब से क्या होता है, पहले गया था चोरी स्तव, स्तुति करना मैंने श्रद्धे महापुरुषों का, आराध्यों का, भगवत स्वरूप का परिचय करना, उनके गीत गाना, मूर्खों के गीत नहीं गाते, नादानों के गीत नहीं गाते। और आपको नादानों के गीत सुनने हो तो किसी बर्थडे पार्टी चले जाइए। अब देखिए ऐसे लोग गीत गाते हैं, ऐसे लोग गीत गाते हैं, ऐसे लोग गीत गाते हैं कि मानो वो भगवान ही हो गया। इसको स्तुति नहीं कहते, इसको चापलूसी कहते हैं। अरे चापलूसी बड़ी भयंकर होती है। गाने वाले को मैं तो कई बार देखता हूं, किसी के नाम से बना हुआ गीत होता है, उस गीत को लोग सत्तर गाते रहते हैं, बस वहां नाम चेंज कर देते, कभी दिल कृष्ण का नाम ले लेते, कभी रघु ऋषि का नाम ले लेते, कभी गुंदम ऋषि का नाम ले लेते, समझ में नहीं आता क्या कर रहे। मीरा ने गीत बनाया कृष्ण के लिए, और वो कृष्ण का गीत किसी को लागू करना चले जाओ, इसको जागरूक से कहते हैं स्तुति। कहते हैं संसार की बात को कि परमात्मा के गीत गाऊंगा और किसी के गीत नहीं गाऊंगा, भगवत्ता के ही गीत गाऊंगा और किसी के गीत नहीं गाऊंगा, संयम के ही गीत गाऊंगा और संयम के गीत नहीं गाऊंगा। और ऐसी जिस समझ के अंदर भावना जन्म के उसको कहते हैं स्तुति, और उसकी स्तुति मंगल होती है। ध्यान करके क्या मनाते हैं, स्तुति करना ही मंगल है, और स्तुति में मंगल की अनुभूति हो जाए तो उसको स्तुति कहते हैं। और ऐसी स्तुति जो करता है उसके ज्ञान की, उसके दर्शन की, उसके चरित्र की, उसको ज्ञान दर्शन चरित्र की बोधि की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान में भी बोध आता है, उसको अपना श्रद्धा का एहसास होता है, अपना चरित्र का एहसास होता है, और उससे संपन्न हुआ जीव अंतिम समय में ऐसी आराधना करता है, ऐसी आराधना करता है या वो कल्प विमान में जाएगा या पूरी गहराई से साधना कर ले तो मोक्ष में भी जा सकता है। समय की तो देखना करे, समय का ऑब्जर्वेशन करे, क्या समय, किसका समय, चौगड़िया नहीं देखता, दुगड़िया नहीं, बच्चा नहीं, इस समय क्या करने का अवसर है, इस समय स्वाध्याय करने का अवसर है, इस समय प्रतिक्रमण करने का अवसर है, इस समय पलवना करने का अवसर है, इस समय उपवास करने का अवसर है, इस समय सेवा करने का अवसर है, किसका समय है, टाइम किसका है, ये टाइम कौन सा है, ये निर्वाण कल्याण की वेला है, ये भगवान महावीर की वाणी की आराधना करने की वेला है कि घंटा करने की भक्ति करने की वेला है, ये समझना।
समय किसका है, और जब समय की प्रतिलेखना करता है उसके ज्ञानावर के कर्म का क्षय हो जाता है। प्रायश्चित करने के कारण से जीव को क्या मिलता है? प्रायश्चित करने के कारण से पाप कर्म विशुद्ध हो जाते हैं। जैसे गंदा कपड़ा धो लिया तो कैसे उजला हो जाता है, और एक बार वो उजला हो गया कि फिर वो मार्ग को और मार्ग का जो फल है, आचार और आचार का जो परिणाम है उसकी आराधना करता है। क्षमापना करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? क्षमापना करने के कारण से प्रलाप अनंत खुशी, हैप्पीनेस, द ग्रेट हैप्पीनेस की जीवित होती है। और हैप्पीनेस एक बार जीवित हो गई कि फिर वो जीव खुश रहने वाला जीव, आनंद में रहने वाला जीव कभी भी सभी के साथ मैत्री करेगा। रोने वाले किसके साथ दोस्ती करेंगे पता नहीं, लेकिन खुश रहने वाला यही सबके साथ आराम से मैत्री करता है। और मैत्री का भाव आ गया कि अब है क्या अनुभूति होगी, दोस्तों से क्या डर लगता है? और जिन दोस्तों से आपको डर लगता है समझना दोस्त ही नहीं। मैत्री का मीनिंग ही है कि जहां डर नहीं लगता है, और डर लगता है तो समझ लो कि वो मित्र नहीं है। सच्चाई मनते जीने की जरूरत है। सत्य के कारण से क्या होता है? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। स्वध्याय, स्वयं का अध्याय, या जिसके माध्यम से अपन स्वयं को समझ सके ऐसे आगम ग्रंथ पढ़ते हैं। वाचनाय मनते जीने की जरूरत है। किसी को वाचना देने, किसी को सिखाना, किसी को पढ़ाना, किसी को ज्ञान दान देना, किसी को सूत्र पाठ देना, किसी के पास भगवान महावीर की वाणी पहुंचाना, किसके पास भगवान महावीर का संदेश पहुंचाना, ये अध्यापन की कला जिसके पास है वो कभी भी परमात्मा के आगम की आशंका नहीं करेगा, वो अवहेलना नहीं करेगा, वो उपेक्षा नहीं करेगा। और जब परमात्मा के वाणी की उपेक्षा नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति तीर्थ धर्म का, तीर्थ यानी तिराने का धर्म, तीर्थ के लिए जहां से तिर जाए, समाधान के मार्ग पर चलता है। और समाधान के मार्ग पर चलता हुआ ग्रेट निर्जरा, युद्ध निर्जरा, एक्सट्रीम निर्जरा कर करके वो कर्मों का समाप्त करता है। बड़ी पूछनाएं मन में जगह जलाई, जिज्ञासा करे, सुना और मन में कोई भाव आ गए, ये बात समझ में नहीं आ रही, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ऐसा सवाल यदि कोई पूछता है, जिज्ञासा करता है, तो जिज्ञासा के कारण से क्या होता है? लेकिन जिज्ञासा बन सकती जो वाचना मिली उसकी जिज्ञासा, जो स्वाध्याय किया उसकी जिज्ञासा, विकथा की जिज्ञासा नहीं, जिसके कारण से वितंडावाद पैदा हो जाए उसकी जिज्ञासा नहीं, जो सुना है, जो वाचना ली है उसके विषय में जो जिज्ञासा करता है उसके सूत्र अर्थ और दोनों ही उसके बिल्कुल मंगल हो जाते हैं। उसके अंदर से परमात्मा के अलावा और किसी को जाने की जो भावना होती है वो समाप्त हो जाती। कंका बोने जब कम्मा पोछते इधर उधर को झांकने की जो लगता नहीं, इधर झांकना चाहिए, उधर झांकना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, यहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ये जो कांक्षा है, ये कांक्षा का जो आकर्षण है इसमें से सोत्री हो जाता है। पर्यटन है ना मंदिर जगह के लिए, एक ही गाथा थी, एक ही गाथा को चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जैसे कहानी आती है मास्टर से, उसने तो केवल छह अक्षर महापुरुष महापुरुष छह अक्षरों को रटते रटते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो छह अक्षर भी नहीं रहे उसके पास, चार ही अक्षर रहे, इतनी मोती कम थी उसके, लेकिन पर्यटन करता था, पर्यटन करता, पर्यटन करता। और ये पर्यटन करने के कारण से उसमें अभिव्यक्ति का सामर्थ्य आता है। अनुप्रेक्षा करने के कारण से जीवों क्या प्राप्त होता है? जैसे अभी हम सुन रहे, इस सुनने के बाद इसकी प्रेक्षा निर्भर करते रहे, व्याख्यान सुना, कोई घटना देखी, सुगंधना करे, कुछ भी किया और उसके पीछे देखते रह गए क्या हो रहा है,
इसके मेरे अंदर क्या परिणाम आ रहे हैं, ऑब्जर्व करिए। जैसे ही आपका कार्य कम हो जाता है, कार्य कम हो गया तो ग्रहण तब फ्री हो जाते हैं। ऐसा एक प्रयोग करता है कि कार्य कम होने के बाद एक 5 मिनट बैठ जाता है और देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, मेरे विचारों में बदलाव आया है, मेरे भावों में क्या बदलाव आया है। जो इसको करता है उसके आयुष्य कर्मों को छोड़कर के सामूहिक कर्मों के जो गहरे बंधन बने, गाढ़े चिकने बंधन बने हुए हैं, वे शिथिल हो जाते हैं। स्थिति बंद कम हो जाता है, तीव्र रस बंद हो जाता है, बहुत प्रदेश अंक प्रदेश हो जाते हैं। आयुष्य कर्म का वो कभी बंद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वह सांता वेदनीय का बार बार बंद नहीं करता है और अनादि अनंत दीर्घ संसार में से उत्तीर्ण जाता है अनुप्रेक्ष करने के कारण से। वो छोटा सा सूत्र है, लंबा सूत्र नहीं, आपने बखान सुना है और बखान सुनने के बाद उस पर चिंतन करते रहे, अनुप्रेक्ष करते रहे। धर्म कहा ही न मत जीवित, किसी को ऐसी धर्म सुनाया, ऐसी कथा के माध्यम से धर्म सुनाया कि उसके मन में पाप के प्रति का सारा आकर्षण समाप्त हो जाए। ऐसी प्रभु की कथा सुनाई, ऐसी प्रभु की कथा सुनाई कि और किसी प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं हो, उसको किधर धर्म करना है। ऐसे संयम की बात उसको बताई कि उसके मन में असंयम का आकर्षण समाप्त हो जाए। ऐसे धर्म कथा जो सुनाता है उसके कारण से वो प्रवचन प्रभाव बनकर के भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का निर्माण कर लेता है। श्रुत आराधना जो हम कर रहे हैं, और मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से इसको समझ लेंगे, श्रुत आराधना है। इसलिए अपनी बड़ी इच्छा करी नहीं, किसी ने पूछा नहीं मुझे कि आग में तिले का पाठ क्यों नहीं बोलते। हमेशा जब भी आग पढ़ते तो बोलते हैं आग में तिले बोलते हैं, और यहां में जब की तिले छान टुकड़ा में टुकड़ा कर टुकड़ा बोलते क्यों बोलते हैं, उसका कारण है क्या? हम इसको शुद्ध देव समझते हैं, उत्तराध्ययन करने शास्त्र थे, उत्तराध्ययन करने परमात्मा का दिया हुआ देव है, शुद्ध देव है, और देव की आराधना करते हैं। तो आराधना में केवल अग्नि नहीं, आराधना जो हुआ होगा उसकी क्षमा पना करते हैं। इस भावों से जो श्रुत आराधना करता है, ये बहुत बड़े लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या श्रुत आराधना क्या है, लेकिन ध्यान में रखना है ज्ञान होना अलग है और ज्ञान की आराधना होना अलग है, श्रद्धा होना अलग है श्रद्धा की आराधना होना अलग है, चरित्र होना अलग है चरित्र की आराधना होना अलग है, किसी के पांव छूना अलग है और भक्ति से पांव छूना अलग है। कहीं किसी के पांव आदर से भी छू सकते हो, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए भी छू सकते हो, लेकिन भक्ति से चलन चाहिए उसको कहते आराधना। एक आस्था के साथ, एक अवभाव के साथ जो की जाती है उसको श्रुत आराधना के लिए, और श्रुत आराधना के कारण से अज्ञान चला जाता है और जीवन में क्लेश नहीं होता है, मन में क्लेश नहीं आता है, मन परेशान नहीं होता है। एकाग्र मन करने के कारण से चित्त का निरोध हो जाता है, संयम करने के कारण से आसुरों के द्वार बंद हो जाते हैं, तप के कारण से पुराने कर्मों की निर्जरा होती है, और निर्जरा होने के कारण से जीवन में अक्रिया में सिद्धि प्राप्त होती है, और क्रिया होने का सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। स्वसहायता सुख की स्पृहा नहीं करे, सुख की कामना नहीं करे, सुख के प्रति उत्सुक नहीं करा, तो उसके जीवन में क्या रहता है? लग्जरी की तमन्नाएं समाप्त हो जाए तो क्या होगा? उसके कारण से उसके अंदर में जो उद्दंडता रहती है वो निकल जाती है, उत्सुकता निकल जाती है, और उत्सुकता निकल गई कैसा जीव अनुकंपाशील हो जाता है, उसमें से शोक निकल जाता है और चरित्र मोहनी कर्म का उक्षय करता है। निसंगता अप्रतिबद्धता है ना, निसंगता है, कहीं पकड़ नहीं, कहीं चिकट नहीं, सहज जैसे पंछी पेड़ पर से उड़ता है, ऐसी एक निसंगता है।
जैसे बच्चे पेपर बेचता है, लेकिन बच्चे कोई पेड़ के साथ राग नहीं करता है, और कौन से पेड़ को जाकर के बेचना है इसका मतलब वही चलते रहता है। ऐसी प्रतिबद्धता के साथ चलता है, ऐसा जीव एकाग्र चित्त का हो जाता है, और एकाग्र चित्र होने के कारण से उसमें किसी प्रकार के आसक्ति का जन्म नहीं होता है। अपना आसन, अपना बिछोना है, अपना बैठक यदि दूसरों से अनटच रखे, अलग रखते, अंतर रखते, तो उससे क्या होगा? बहुत बड़ी बात है। कितनी छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज ही कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अनटच रहो, अनटच रहो, अनटच रहो, अनटच रह जाओ तो कोरोना कोविड से मुक्ति मिल जाए। और यही पर वही है चरित्र की मुक्ति जन्म होती, उसके कारण से उसका कैरेक्टर सुरक्षित हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग आ गए कि आप सुरक्षित हो गए, भगवान महावीर के गए उत्तराध्यक्ष सूत्र में कि विविध सन्यास है, विविध हो गए, अलग हो गया, अनटच हो गया, और अनटच हो गया तो दृढ़ चरित्र वाला हो जाता है, और आटो ही प्रकार के कर्म वृद्धि की गजरा कर लेता है। निवृत्त होने के कारण से क्या प्राप्त होता है? निवृत्त होने के कारण से पाप से दूर जाने की निवृत्ति किसी में आ जाए तो उससे उसको क्या प्राप्त होगा? पाप कर्मों से करने की भावना से दूर हो जाएगा, और पहले जो उसके कर्म दे उसके निर्जरा पाप के निर्जरा कर करके वो संसार से बाहर निकल जाएगा। सह भोजन पार्टी, सामूहिक भोजन से यदि किसी ने नेम ले लिया कि मुझे सामूहिक भोजन नहीं करना है, ग्रुप डाइट नहीं लेना है, तो उससे क्या होगा? यदि वो संभव पहचान लेता है तो उसके कारण से उसमें आसमान जैसे निलंबन आ जाएगी, उसके स्वयं की शक्ति सुरक्षित होकर के वो स्वयं के लाभ में संतुष्ट होगा, दूसरे के लाभ की कामना नहीं करेगा, और दूसरे के लाभ की कामना नहीं करेगा तो उसके जीवन में बहुत शांति की अनुभूति होगी। उपधि यानी उपकरण ये फालतू का परिग्रह है, उसको यदि कम कर दिया, 100 साड़ियों के बजाय 5 साड़ियां 10 साड़ियों पर आ गए तो क्या होगा? जितने तुम्हारी उपाधियां कम होगी उससे होगा क्या है? उसके कारण से परमात्मा ने फरमाया है कि अपलिमंथु जनई अपलिमंथम जनई, जो साधना में जो बाधाएं आती है, जीवन में चलने में जो अवरोध आते हैं वो निकल जाएंगे, और निकल जाने के कारण से जीव के पास संग्रह नहीं भी रहा तो उसे परेशान नहीं होगा। अब देखिए ना कि पड़ोस के घर में 2 गाड़ियां आ गई, मेरे घर में 1 गाड़ी है तो परेशान होना शुरू हो गया। उसके उसने साड़ियां खरीदी, उसने ये कपड़े पहने, उसने ये कपड़े पहने, मेरे पास नहीं था, आदमी परेशान हो गया, और उसने पहने तो क्यों परेशान हो गया? तो ये बिना उपकरण के भी वो परेशान नहीं होता है। आहार के प्रत्याख्यान करने के कारण से जीव को क्या, ये 3-4 बातें जाएंगी आहार का लेकर के, आगे भक्त बचकान भी जाएगा। यह आहार का प्रत्याख्यान है, ये आहार का प्रत्याख्यान यानी संलेखना की तैयारी है। जो आहार का प्रत्याख्यान कर लेता है या उपास की बात है, तो उसके मन में जीने के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी, और जीने के प्रति आसक्ति कम हो गई तो आहार नहीं भी मिला तो परेशान नहीं होगा, और जैसे ये परेशानी निकल जाएगी तो व्याकुलता निकल जाएगी। मैं कषाय नहीं करूंगा ये कोई तय कर ले, मैं क्रोध मान माया लोभ नहीं करूंगा ये तय कर ले, ये तय करने के कारण से उसके अंदर वितराग भाव का जन्म होगा, और वितराग भाव का जन्म होने के कारण से वो सुख दुख में समान भाव से रह पाएगा। जोग पचखाने न मनते जीवे के जनेंगे, ये तो योग ने मन वचन काया के मैं कोई अंदर में मन वचन काया तीनों में से कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगा, ऐसा ही थे जीव
तय कर लेता है तो अयोगी बनता है। शरीर बचा खाने न बनते जीवे किम जने, शरीर का ही प्रत्याख्यान, वापस शरीर ही नहीं ग्रहण करोगे, कितना अच्छा लगता है ना। और वही है जिसने शरीर के प्रत्याख्यान कर लिए है वो सिद्ध हो जाता है। देखो भला अपने मन में टाट रहे, आप शरीर के प्रत्याख्यान कर सकते हो क्या? नहीं कर पाते ना। मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए, मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए, मेरे बाल काले होने चाहिए, मेरा चेहरा ऐसा होना चाहिए, मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ये सारी इच्छाएं अंदर में जन्मती रहेगी तो शरीर के पचकान कहां से हो गए? तो शरीर के पचकान कर लिए तो सिद्धत और लोकाग्रम पहुंच जाएगा। सहाय पचकाने न, मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगा, मैं किसी की मदद नहीं लूंगा, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूंगा। जिसने डिपेंडेंसी छोड़ दी वो जीव, जैसे भगवान महावीर ने नंदीवर्धन में प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूं कि तुम्हें किसी प्रकार की साधना में कोई तकलीफ नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था कर देता हूं। परमात्मा ने कहा कि नहीं, मुझे साहिर के पचकाने, और साहिर के पचकाने तो शायद आप सभी का ही अनुभव होगा, मेरा भी है, तुम्हारा भी, सबका है। हम जितने डिपेंड रहते हैं ना उतना झगड़ा बढ़ते जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है। अब आपने देखा होगा घर में ना, कई बार आपने घर में आने वाले सर्वेंट को यदि चाय देने शुरू कर दी, एक टी देना शुरू कर दी, आई या उसके साथ उस काम अच्छा करने से चाय देना शुरू कर दी, और एक दिन आप चाय मत दीजिए, एक दिन चाय मत दीजिए, फिर वो कैसे झगड़ा करती दिखे, फिर क्या आदत लगा दी आपने उसको, और आदत लगा दी तो ये सहायता की आदत लगती है। किसी का अपने को आदत लगे ना, वो रोज मदद करता है, रोज मदद करता है, रोज मदद करता है, तो अपन उसको अंडरस्टूड करके चलते हैं कि हाँ ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा अधिकार है, और उस अधिकार की भावना के कारण से फिर झगड़े बढ़ते हैं, फिर कषाय बढ़ता है, फिर समाधि चली जाती है, फिर सोमवार चला जाता है। और जो सहाय थे मैं नहीं, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूंगा, सेल्फ डिपेंड, मैं मेरे सारे काम अपने हाथ से ही करूंगा, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूंगा। और ये बहुत जरूरी है, आपको यदि स्वस्थ रहना है तो बहुत जरूरी है। जितने तुम इंडिपेंड बनोगे उतने स्वस्थ रहोगे, उतने झगड़े कम होंगे, उतने परेशानी कम होगी। भक्त पचखाने न मनते जीव किम जनेगी, संतान लेने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होगा? संतान लेने के कारण से सैकड़ों जन्म भवसयाइम अनेगाइम भवसयाइम, सैकड़ों जन्म के जो बीज है वो समाप्त हो जाते हैं। सब भाव पचा खाने न बनते जीव के जनाई, सद्भाव, ये 14 गुणस्थान का विषय है। लेकिन वो जिस समय हो जाता है कि जो कुछ है बस आप कहीं नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, एक भी कर्म परमाणु अंदर ग्रहण नहीं करना है, एक भी कर्म परमाणु अंदर ग्रहण नहीं करना है, पूर्णतः शैलेशी अवस्था में जब पहुंच जाता है तो सिद्ध हो जाता है। बड़ी रूपयाना मंत्र जीव के जनाई, किसी का एक आदर्श सामने रखकर के, आइडियल सामने रखकर के कोई चले तो उसे क्या प्राप्त होगा? तो लाभ हो आ जाता है, बाकी की जैसे झंझट निकल जाती है, और लघुभूत बना हुआ जीव अप्रमत्त हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, वो सबके लिए विश्वसनीय हो जाता है। वया वच्चे न मंत्र जीव किम जने, मैंने बताया आपको पहले कि वयावृत्ति यानी सामने वाले को निडी पर्सन नहीं समझना, जिसको शब्द सही नहीं है लेकिन अर्थ सही है उसका, दरिद्र नारायण, दरिद्र में नारायण का बोध करना, ऐसा नहीं बस जो है उसमें नारायण का बोध करना है। ये भावना संत ज्ञानेश्वर ने, संत तुकाराम ने, संत नामदेव ने महाराष्ट्र में बहुत गहरी वारकरी संप्रदाय में इसके बीज बोए हैं। जे जे भेट जी भूत तेते भगवंत जाना, जो जो भेटता है वो सब भगवान है, और इसलिए एक अनूठी परंपरा है वारकरी संप्रदाय में। आगे पीछे वो शुरू हो जाएगी आरण विद्या में,
कि वहां शिष्य गुरु के पांव पड़ता है ये तो आप देखते हैं, लेकिन वहां गुरु शिष्य के पांव पड़ता है। जो भी मिलते हैं वो एक दूसरे के पांव पड़ता है, एक दूसरे के चरण छूते हैं, और एक दूसरे के चरण छुएंगे तो अलग ही भाव जन्मेगा कि भगवत्ता का जन्म होगा, दूसरे के अंदर के भगवत्ता का एहसास होगा, अहंकार चला जाएगा। और सच में यदि आपको मीटिंग में से फाइटिंग बंद करनी हो तो एक सिंपल रास्ता है, मीटिंग शुरू करने के पहले सबने एक दूसरे के पांव पड़ने, एक दूसरे का आशीर्वाद लेने, उसके बाद मीटिंग शुरू करनी। बिना पांव पड़े और बिना आशीर्वाद ले मीटिंग शुरू ही नहीं करनी, देखो कैसे मजा आती। फिर एक बार पांव पड़ लिए और चरण छू लिए तो मीटिंग में फाइटिंग होनी बंद हो गई। तो यह भैया व्रत का भाव है कि जो भी मैं जिसकी भी सेवा कर रहा हूं वो निडी पर्सन नहीं है तो भगवान है। सब गुण संपन्न या मंत्र जी वे केंद्र नहीं, सारे गुणों से संपन्न होने का सोच, जितना होगा उतना नहीं, सब क्वालिटी चाहिए बारे में, सारे क्वालिटी चाहिए, सारे गुणों से संपन्न होने का जिसका सोच होता है उसके जीवन में से भव भ्रमण छूट जाता है। और भव भ्रमण छूट गया, अपुनरावृत्ति आ गई, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं रही, तो किसी प्रकार के शारीरिक मानसिक दुखों का भागी नहीं बनता है। कोई वितरांग हो गया तो स्नेह के सारे अग्रीमेंट से ले जाते हैं, वासना से प्यास से मुक्त हो जाता है। किसी प्रकार के कोई मनोज्ञ आ जाए अमनोज्ञ आ जाए तो उसमें किसी प्रकार के उसके कोई परेशानी नहीं होती। खंती न मंत्री जीवे किम जने, शांति धीरज सहिष्णुता के कारण से वो संकटों को जीत लेता है। मुक्ति के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? मुक्त भाव, किसी के बंधन में नहीं है, किसी को पकड़ा नहीं है, आसक्ति नहीं है, अकिंचन तो हो जाते हैं। और अकिंचन हो गया तो जो लोग आर्त लोभी होते हैं उनके पीछे उसकी नजर नहीं जाती है। सरलता के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? सरलता के कारण से काया भी सरल हो जाएगी, भाव भी सरल हो जाएंगे, भाषा भी सरल हो जाएगी और जीवन में हारमनी आ जाएगी। और एक बार जीवन में हारमनी आ गई कि धर्म की आराधना शुरू हो गई। देखिए कहां सूत्र चला गया, जीवन में हारमनी आ गई, अविसंवाद ने हारमनी आ गई, मन वचन काया में सुसंगति आ गई तो धर्म की आराधना शुरू हो गई। मृदुता के कारण से, कोमलता के कारण से, मार्दव के कारण से जीव में से उद्धटता निकल जाती है, औद्धत्यपना उद्धटपना जो है वो निकल जाता है। और उद्धटता निकल गई कि उसके जीवन में से आठों ही नशे, आठ नशे, आठ प्रकार के एडिक्शन बताए परमानंद, जाति का है, कुल का है, बल का है, ज्ञान का है, तप का है, ऐश्वर्य का है, जय मैनम, कुल मैनम, बल मैनम, तव मैनम, रू मैनम, स्त्री मैनम, ये सारे जो नशे है वो सारे उसके जीवन में से निकल जाते हैं। भाव सत्य हो जाए, जरा प्रयोग करोगे है ना, छोटा सा प्रयोग है, बहुत छोटा सा प्रयोग है, शायद सच बोलना भारी जाता होगा, लेकिन सच सोचना शुरू करो, झूठ सोचना ही नहीं। भाव सत्य है, इमोशन में सत्य है, मेरी भावना में सच्चाई रहेगी। और भावना में सच्चाई आ गई कि सारी इमोशन प्योर हो गई, और इमोशन प्योर हो गई तो अरिहंत परमात्मा ने जो धर्म बताया उसकी आराधना शुरू हो जाएगी। और अरिहंत परमात्मा के धर्म की आराधना शुरू हो गई कि परलोक की आराधना हो जाएगी। करण संचयन, जो काम करने का तय किया वो करूंगा ही, जो संकल्प लिया वो पूरा करूंगा ही, मेरे संकल्प में मेरे तय में मैंने जो क्रिया शुरू, मैंने जो काम शुरू किया उसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा जिसका विचय होता है, करण सत्य जिसका बन जाता है, उसमें काम करने की शक्ति तैयार हो जाती। क्या सूत्र है ना, क्या गजब के सूत्र है। तुम जो करना चाहते हो करे बिना रहो मत, तो तुम्हारे वो काम करने की शक्ति आ जाएगी।
अपन थोड़ा सा कुछ होगा छोड़ देते हैं, तो शक्ति नहीं आती, करण शक्ति जन्म होगी, और करण की शक्ति जन्म ले गई तो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा करने में समर्थ हो जाता है। जोग सच्चे न मंत्र जीव के जने, जोग यानी मन वचन काया के जो योग है वो सत्य हो जाए तो योग की शिव शुद्धि हो जाती है। मन गुप्त के कारण से एकाग्रता आती है, और एकाग्रता आने के कारण से जीव संयम का आराधक बनता है। वचन गुप्त के कारण से, मौन के कारण से, मौन यानी बोलना भी नहीं, इशारा भी नहीं करना, आंखों से भी नहीं, हाथ से भी नहीं, ऐसी हालत में जब पहुंचता है व्यक्ति तो उसमें के विचार चले जाते हैं, निर्विचारत्व और निर्विकारत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति अध्यात्म साधना में देता है। काय गुप्ति के कारण से संवर हो जाता है, पापों का आश्रय आना रुक जाता है, मन की सम्यक समारहनायनम, मन समारहनायनम, मन की सम्यक रूप से परिपालना करने के कारण से जीव में ज्ञान आता है। ज्ञान की पर्याय, यदि आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के ये सूत्र है कि आपने मन में दुष्टता मत आने दो, मन में दुर्भावनाएं मत आने दो, दुष्ट चिंतन बंद करो, नेगेटिव चिंतन बंद करो, पापकारी चिंतन बंद करो। जैसे पापकारी चिंतन बंद होगा वैसे ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, मिथ्यात्व तो चला जाएगा। किसी ने वचन की आराधना करी, इसने इतना ही तय कर लिया कि मैं मेरे वचन से कभी अशुभ शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे मुंह से मैं कभी गलत शब्द नहीं बोलूंगा, पापकारी शब्द नहीं बोलूंगा, अनादर का शब्द नहीं बोलूंगा, हिंसक शब्द नहीं बोलूंगा, रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोलूंगा। यदि कोई तय कर लेता है तो उसके कारण से उसके अंदर श्रद्धा का जन्म हो जाएगा, और श्रद्धा का जन्म हो गया तो आप सुन ही चुके एक बार, श्रद्धा का जन्म हो गया कि मोक्ष हाथ में आ गया है। काया की सही तरीके से आराधना कोई करता है तो उसमें चरित्र का सामर्थ्य आता है, और चरित्र का सामर्थ्य आ गया तो यथाख्यात चरित्र आएगा, और यथाख्यात चरित्र आ गया कि मोक्ष हाथ में आ गया, कोई ज्ञान से समृद्ध हो जाए। एक ज्ञान तो होना अलग बात है, और ज्ञान संपन्न, जैसे हम धन संपन्न कहते हैं वैसे कोई ज्ञान से श्रीमंत हो जाए, तो श्रीमंत हुआ व्यक्ति, ज्ञान से श्रीमंत हुआ व्यक्ति कभी भी संसार में नष्ट नहीं होता है, और किसी भी प्रकार के स्व समय पर समय का विशारद बनता है, विद्वान बनता है। और ऐसी विद्वत्ता आती है कि किसी के द्वारा भी उसकी हार नहीं हो सकती है, कोई श्रद्धा से संपन्न हो जाए, और श्रद्धा से जो संपन्न हो जाता है वो भव मिथ्यात्व का छेदन करता है, दूसरों के द्वारा उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, और दूसरों के द्वारा जो डिस्टर्ब नहीं होता है उसमें अनुत्तर ज्ञान दर्शन में आत्मा को लगाता हुआ वो विचरण करता है। कोई चरित्र से संपन्न हो जाए तो शैलीशी भाव को प्राप्त होकर के चारों अघाती कर्मों का क्षय करके मोक्ष में पहुंचता है। श्रोतेंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया, जो आज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिसने श्रोतेंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया तो सुनने के कारण से जो कर्मों का बंध होता है, राग द्वेष होता है, वो नहीं होगा उसको। ऐसे पांच इंद्रियों का, चक्षु इंद्रिय के कारण से भी, घ्राण इंद्रिय के कारण से, जिभेंद्रिय, रस इंद्रिय के कारण से, स्पर्श इंद्रिय के कारण से क्रोध को जीत लिया, और क्रोध को जीत लिया तो क्षमा का जन्म होगा, ये छोटी सी बात है, लेकिन अगली बात वो बड़ी है। जिसने क्रोध को जीत लिया उसकी, उसको क्रोध की फीलिंग नहीं होती है, कोह व्यय निजम कम्मम न बन रही, उसमें जो क्रोध को फील करने की, अपन गुस्सा क्यों करते हैं कि गुस्सा महसूस होता है, गुस्सा की फीलिंग होती है, और जिसने क्रोध को जीत लिया तो उसको गुस्से की फीलिंग ही नहीं होती, और गुस्से की फीलिंग नहीं होगी तो पहले जो बंधा हुआ वो भी निकल जाएगा। किसने मान को जीत लिया तो उसमें मार्दव आ जाएगा, कोमलता आ जाएगी, स्टिफनेस चला जाएगा,
आप देख रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है, जॉइंट पेन, ये सारे अहंकार के ही साइड इफेक्ट है। कि अहंकार तुम्हारे मन में तुम्हारे शरीर में स्टिफनेस लाएगा ही लाएगा, और जैसे जैसे तुम अहंकार को जीत लोगे स्टिफनेस चला जाएगा, कठोरता चले जाएगी। किसी ने कपट को जीत लिया है तो वो सरल हो जाएगा, और सरल हुआ व्यक्ति कि कभी मन नहीं होगा उसकी चीटिंग करने की, मन ही नहीं होगा, अपने मन में आता रहे क्या करे यार काम नहीं हो रहा थोड़ा चीटिंग कर ले, चीटिंग करने का जो मन होता वो मन ही नहीं होगा उसको। और कोई लोग को जीत ले तो संतोष का जन्म हो जाएगा, और प्रेम द्वेष और मिथ्या दर्शन का जो जीत लेता है वो व्यक्ति ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना के लिए उपस्थित होता है, और जो ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना के लिए उपस्थित होता है वो आठों ही प्रकार के कर्म ग्रंथि का विमोचन करता है। सबसे पहले वो 28 प्रकार के मोहनीय कर्म का क्षय करता है, उसके बाद 5 ज्ञान, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, इन तीनों ही कर्मों का एक साथ क्षय कर करके वो अनुत्तर ज्ञान केवल ज्ञानी केवल दर्शन बन करके जीता है। जब तक उसका शरीर है, जब तक आयुष्य कर्म है, तब तक उसकी इंद्रियां वही क्रिया चलती है जो एक समय में आश्रव, एक समय में वेदन और एक समय में निर्जरा, जिसका स्थिति बद्ध होता ही नहीं है, और आखिरी में वो सारे कर्मों को अक्षय करके मोक्ष में पहुंचता है आयुष्य का पालन करते हुए। जिस समय अंतर मुहूर्त आयुष्य शेष रहता है तब वो योग की निरोध की प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति में पहुंचकर शुक्ल ध्यान में पहुंच करके पहले समय में पहले मन योग को निरुद्ध करता है, फिर मन योग को निरुद्ध कर करके फिर वचन योग को निरुद्ध करता है, वचन योग को निरुद्ध करके फिर काया योग को निरुद्ध करता है, और काया योग को निरुद्ध करके श्वासोच्छ्वास रोक देता है, और श्वासोच्छ्वास को रोकने के साथ ही 5 रस्वाक्षर के उच्चारण में वो मोक्ष में पहुंच जाता है। ऐसा ही समय तो पराक्रम का अध्याय भावना थी कि पूरा विस्तार से आपको इसका सहज चलते चलते, अर्थात जितनी भी आपके पास जानकारी गई वो केवल सूचना के रूप में गई है, उसका विवेचन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अध्याय पर पूरे 4 महीने के भी प्रवचन हो सकते हैं, ऐसा है, लेकिन आपको पता हो जाए इसलिए किया था। एक छोटा सा प्रयोग पैसारों से चल रहा है, जिस प्रयोग के पीछे आध्यात्म का सूत्र नहीं है, तो संस्कृति का सूत्र है, एक कल्चर का सूत्र है, एक व्यवस्था का सूत्र है। जिस धर्म के प्रति हमारी आस्था है, जिस परमात्मा के प्रति हमारी आस्था है, जिन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसी आस्था के अनुरूप हमारे जीवन का हर कार्यक्रम होना चाहिए। ये संस्कृति के पीछे उद्देश्य है, ये कल्चर के पीछे भावना है। जैसे जिनके साथ शादी हो जाती है वो एक दूसरे से ही एक दूसरे की डिमांड कर सकते हैं, वो डिमांड दूसरों से नहीं कर सकते, पर यदि दूसरों से डिमांड करते हैं तो बेवफाई है, दगाबाजी है। वैसे एक बार आपका जिनेश्वर परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो गई, जिनेश्वर परमात्मा देव धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई, गुरुओं के प्रति आस्था हो गई, तब जो भी कुछ करना है तो इन्हीं के आलंबन से करेंगे आप। यदि और किसी का आलंबन लेकर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने श्रद्धा में हम बेईमान बनते हैं, हम अपने आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, और इसी आस्था के खिलवाड़ का ये परिणाम है कि हमारा एक रूप नहीं बन पाया, हमारी एकता नहीं हो पाई, एक सही रूप सामने उभर करके नहीं आया। छोटा सा उदाहरण सामने ले सकते हो, फ्रांस ने कुछ कार्रवाई करी, फ्रांस ने कुछ एक्शन ली, अपने राष्ट्र में कैसे जीना है, अपने देश में कैसे रहना है, इस पर कैसे एक्शन ली, लेकिन आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो,
उस एक्शन के खिलाफ दुनिया के सारे मुसलमान एक हो गए। कारण एक स्ट्रक्चर है, एक कल्चर है, एक व्यवस्था है कि जिससे उनके आस्था है वैसे उनका पूरे जीवन की व्यवस्था है। जो कल्याण मित्र के कार्यक्रम संपन्न कराने की वजह जो भावना रहती है, समझदार लोग उसको समझ न पाए, इसलिए आज पूरा विश्लेषण कर रहा हूं। क्योंकि जैन विदेशी शादी क्यों होनी चाहिए, जैन विदेशी रिंग सेरेमनी क्यों होनी चाहिए, जैन विधि से ही गृह प्रवेश क्यों होना चाहिए, जैन विधि से ही क्षेत्र शुद्धि क्यों होने चाहिए, नामकरण जैन विधि से क्यों होना चाहिए। ये कार्यक्रम कराते समय कभी ये नहीं कहा गया है किसके कारण से तुम्हारा धर्म ध्यान होगा, इसके कारण से केवल इतना ही होगा कि अल्प आरंभ होगा, श्रद्धा सुरक्षित रहेगी, आस्था सुरक्षित रहेगी, संयम सुरक्षित रहेगा, घर में तुम्हारा दूसरा वायरस नहीं आएगा। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, इसके पहले मैंने कभी इस विषय में बोलने का सोचा नहीं था कि लोग समझ जाते थे, जनता समझती है, लेकिन जिन्होंने समझाने का ठेका ले रखा है वो नहीं समझते। कल्याण मित्र के कार्यक्रम पर बड़े तीखे बहुत अशुभ शब्दों में जब सयानों के द्वारा ऑब्जेक्शन आया है तो मुझे बोलना जरूरी हो रहा है। किस कार्यक्रम की वजह भावना क्या है वो समझो, इस कार्यक्रम के जो प्रयोजन क्या वो समझो। यदि तुम तीर्थंकर परमात्मा के अनुयायी होते हुए भी निर्वाण कल्याण के वेला में तुम परमात्मा की भक्ति करने के बजाय लक्ष्मी की पूजा करोगे तो कैसे स्वीकार हो पाएगा और कैसे स्वीकार होना चाहिए। और यदि मैंने परमात्मा के निर्वाण कल्याण के वेला में परमात्मा के भक्तों को परमात्मा से जोड़े रखने का कोई उपक्रम दिया है तो उसका अनुमोदन करना चाहिए कि उस पर टिप्पणी करनी चाहिए, आप स्वयं सोचिए कि जिस समय परमात्मा का निर्वाण कल्याणक हो रहा हो उस समय यदि कोई लक्ष्मी की पूजा करता हो तो वो सही है क्या। मैं तो बहुत तीखे शब्दों में पहले बोलता था कि किसी का भी पिता, किसी के भी माँ बाप, किसी के भी गुरु यदि अंतिम सांस ले रहे होंगे और उस समय भी वो और किसी के मेहमानगिरी में लगा होगा, वो और किसी फंक्शन में लगा होगा, तो क्या वो स्वीकार किया जा सकता है क्या। और ये व्यवस्था न देने के ही परिणाम है कि परमात्मा का निर्वाण कल्याणक भी उस अवसर पर भी हम लोग निर्वाण कल्याणक की भावना में पहुंच नहीं पाते थे। मुझे खुशी है, आई एम हैप्पी, मैं सेटिस्फाइड हूं कि जनता मेरी भावनाओं को समझ रही है, जनता इन कार्यक्रमों को स्वीकार कर रही है और जनता इन कार्यक्रमों को दुनिया के पास पहुंचाने के लिए भी जुड़ रही है। इतने गहराई से जुड़ना चाहती है। मैं आज मेरी खुशी को तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। एक मंदिर मार्गी संत, एक मंदिर मार्गी साध्विया, तेरा पंथ के साध्विया, ज्ञान गच्छ के साध्विया, साधु मार्गी के साधु साध्विया, तेरा पंथ के संत, यदि अरहम विद्या के टीचर के पास साधना सीखने के लिए आते होंगे। कुछ दिन पहले, एक डेढ़ महीना पहले एक मंदिर मार्गी संत का फोन आया है कि उसको अष्टमंगल की जो अरहम विद्या की प्रक्रिया है उस पर पीएचडी करनी है, उसकी साधनाओं को सीखनी है। ये इसमें भी प्रवीण ऋषि का अकाउंट नहीं है, ये तीर्थंकर परमात्मा की साधना है, एक गुरुदेव की कृपा है। और इसीलिए निरंतर उस उपक्रम में लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करते रहते हैं कि किस तरीके से सबको केवल परमात्मा के साथ ही जोड़े रखा जाए। चाहे दिल की बात हो, चाहे पांव की बात हो, चाहे हाथ की बात हो, चाहे आंख की बात हो, चाहे कान की बात हो, चाहे दिमाग की बात हो, देखेगा तो केवल तीर्थंकर परमात्मा ही दिखेगा, सुनेंगे तो केवल तीर्थंकर परमात्मा को ही सुनेंगे।
उस आस्था का जुनून तैयार करना चाहिए कि जैसे एक सती अपने पति के अलावा और किसी का मन में भी चिंतन नहीं कर सकती है, वैसी आस्था जैन की होनी चाहिए कि वो मन में भी जिनेश्वर के धर्म के अलावा, जिनेश्वर के अलावा और किसी के तरफ नजर उठाने का भी उसका मन नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था निर्माण करने के लिए सारे कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम के भूमिका के साथ ही आमंत्रण है आप सभी को 19 तारीख से पुनः अरहम विद्या के नए टीचरों का ट्रेनिंग का कार्यक्रम, जो अगस्त मन में मई माह में नहीं जुड़ पाए, जिन्हें जिनके अंतर में तमन्ना है, जो चाहते कि दुनिया परमात्मा के धर्म से लाभान्वित होकर के दुनिया खुशहाल बन जाए, और ये तो पक्का है, दुनिया को बचाना है तो दुनिया को महावीर के साथ जोड़ना ही होगा। बिना तीर्थंकर के साथ जुड़े कोई तीर्थ बन ही नहीं सकता है। बिना पानी पिए जैसे प्यास नहीं बुझ सकती है, बिना उजाले से जुड़े जैसे उजाला नहीं मिल सकता है, बिना आंख खुले जैसे सूरज नहीं दिख सकता है, वैसे जब तक दुनिया का हर व्यक्ति तीर्थंकर के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक उसके तीर्थ बनने की कोई संभावना नहीं है। और हर व्यक्ति को यदि तीर्थ बनाना है तो उनके पास तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को, तीर्थंकर परमात्मा की देशना को, तीर्थंकर परमात्मा की साधना को पहुंचाना ही होगा। और अपने बाप की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी बेटे पर ही होती है। तुम्हारी बाप की विरासत को संभालने के लिए तुम और किसी को नहीं ले आते हो, बाप के गद्दी पर बेटा ही बैठता है। तुम परम पिता के संतति हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति का दायित्व है कि अपने इस पिता की विरासत को सुरक्षित रखे, दुनिया के पास पहुंचाए।